इस पे आप देखिए, जरा बैंकिंग को देखिए आप। निफ्टी बैंक अब अप्रोच कर रहा है ऑलमोस्ट 18,000 की ट्रेजेक्टरी को, आप स्क्रीन पर देखिए। निफ्टी बैंक ऑलमोस्ट एट डे हाई, मार्केट से डे हाई, और देखिए तेजी का सबसे बड़ा अगर आप देखें कारण यही है। जरा 12 के 12 स्टॉक्स दिखाइए निफ्टी बैंक के। अगर आप देखिए SBI, सबसे पहले देखिए आप SBI ऑलमोस्ट डे हाई पर दिन के सर्वोच्च स्तरों पर। उसके बाद देखिए आप PNB, ये PSU बास्केट ज़्यादा वाइब्रेंट है, बताया कि प्राइवेट लगभग 2.5% PNB। उसके बाद तीसरा स्टॉक है BOB, ये देखिए आपकी स्क्रीन पर 3 रुपये ऊपर, यानी करीब 2% की तेज़ी। और फिर आप देखिए एक बैंक ऑफ इंडिया, ये भी तेज़ है, और एक्सिस बैंक को देखिए करीब 1% ऊपर। लेकिन ज़्यादा लिवारी, ज़्यादा खरीदारी, ज़्यादा कॉन्फिडेंस, ज़्यादा अगर आप देखें इम्पैक्ट आपको जो नज़र आ रहा है वो है PSU बास्केट पे। जरा अभी थोड़ा सा नॉन निफ्टी बैंक के स्टॉक्स भी दिखा दीजिए, मतलब जो कि इस 12 स्टॉक्स में शामिल नहीं है, स्मॉल कैप बैंकिंग में, मिड कैप बैंकिंग में। जरा PSU बास्केट में आइए, इलाहाबाद बैंक डे हाई पर 5.5% ऊपर, देना बैंक 36.85 30 पैसे ऊपर। उसके बाद आप सिंडिकेट बैंक को देखिए 7% ऊपर। मेयर बिल्कुल, ये बस तो मुझे लग रहा है जो मैं आपको बता रहा था वीरेंद्र, वही हो सकता है कि देखिए जो इस तरह के पोल वगैरह होते हैं उसमें क्या होता है कि एक बार वोटिंग शुरू हो जाने के बाद, अब चाणक्य तो नहीं है पता नहीं, ऑन रिकॉर्ड आपके एग्जिट पोल आए नहीं आए, लेकिन ऑफ रिकॉर्ड सारे लोग गेज करने की कोशिश करते हैं। वरना आप देखिए 70 पॉइंट, एंड मैं तो इनफैक्ट इससे ज़्यादा फोकस करना चाहूँगा यूरोपियन मार्केट में। एक बार फिर से आप दिखाइए यूरोपियन मार्केट्स को, वहाँ पे तेज़ी देखिए। इस समय ग्लोबल मार्केट्स में सेंटिमेंट को लीड कौन कर रहा है? लीड कर रहा है यूरोपियन मार्केट। अब देखिए पेरिस का इंडेक्स 0.25% ऊपर, कैक 40, जर्मन इंडेक्स ZETRADEX 2% ऊपर, लंदन का फुटसी भी 0.5% ऊपर है, जबकि वहां तो वोटिंग इस समय चल रही है। तो ये डेफिनेटली मार्केट इसमें से कुछ पिक कर रहा है ऐसी चीज कि भाई जितना हमें डर है ऐसा कुछ नहीं होगा। और इनफैक्ट और एक चीज इसमें जो कि काफी अहम है, जो कि दर्शकों के लिए भी जानना जरूरी है, कि अगर कल एक बार के लिए मान लीजिए कि क्लोज कॉल हुआ जो कि दिख भी रहा था पोल्स में, उसके बावजूद ऐसा नहीं है कि कल फैसला आ गया तो तुरंत ही ब्रिटेन का एग्जिट हो जाएगा। पार्लियामेंट विल हैव टू अप्रूव दैट एंड इंप्लीमेंट, और उसके बाद वो प्रोसेस शुरू होके अल्टीमेटली मतलब कम से कम 1.5 से 2 साल का वक्त है। मेरे को लगता है मिस्टर कैमरून ने जो पिछले 2 दिन में हवा बनाई है ना वहां पर, आप देखें क्योंकि पार्लियामेंट इस पक्ष में है ही नहीं कि हो। और सबसे बड़ा स्कॉटलैंड का मुद्दा था, क्योंकि वहां से जो वॉइसेज आ रहे थे ना, वो ये कह रहे थे कि भाई हम तो चाहते नहीं है बाहर निकले, और एग्जैक्टली वेट अगर हम वोट करें कि हम अंदर रहेंगे और उसके बावजूद ब्रिटेन बाहर हो जाए तो ये हमारे हितों के साथ एक खिलवाड़ होगा, तो वो भी एक बड़ा फैक्टर होगा। जी बिल्कुल, तो वही है बाजार अब देखिए कितना अच्छा। और इस बीच एक बार अमेरिकन डाउ फ्यूचर्स को देखते हैं, वहां पर 100 पॉइंट से ज्यादा की तेजी देखने को मिल रही है। सो अजय आपका तजुर्बा क्या कहता है? वैसे भी देखिए एक चीज, एक हकीकत, इसे कोई झुठला नहीं सकता कि बाजार सबसे सुप्रीम होता है और ये पहले भांप लेता है कि हवा किस तरफ की है, रुख किस तरफ का है, नतीजा किस तरफ का होगा। जी बिल्कुल मेहर, और यही लग रहा है कि बाजार ने भांप लिया है कि रिमेन का वोट ज्यादा स्ट्रांग है तो वो रहने वाले हैं यूरोप में, वही उस तरह से। और काफी मार्केट था, उनके थोड़ा सा आप देखें संपर्क में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, फिर से उनके पास जाएंगे। लेकिन इस बीच देखिए निफ्टी कॉन्फिडेंस दिखा रहा है, और कॉन्फिडेंस देखिए देखिए बाजार चल रहा है उधर इज समथिंग डिफरेंट, वहां से क्या वॉइसेस आ रहे हैं, क्या इनफैक्ट बाजार को एक्सपेक्टेशन लग रही है, क्या खबर मिल रही है, उधर इज समथिंग डिफरेंट। लेकिन अगर बाजार चल रहा है तो आपकी आप किस पर फोकस करें? देखिए सिर्फ यहाँ फंडामेंटल नहीं है, यहाँ ये भी है कि इस सीरीज के शुरू से ही बहुत ज़्यादा आदित्य भारत पर ध्यान दीजिएगा, क्लाइंट बहुत शॉर्ट बैठा था सीरीज के शुरू से ही, FII शॉर्ट हुआ 10 जून के बाद से, अभी शॉर्ट खड़ी भी बहुत है, कवरिंग की एक्सपेक्टेशन में आप क्या खरीदेंगे? मंदिरिया जहां बैकफुट पे होगा। वेल यहां पे देखें तो मुझे लगता है कि मेटल स्टॉक्स में लास्ट 4-5 दिन में अच्छा खासा एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला था, तो मुझे लगता है कि यहां से मेटल्स में हमको एक अच्छी पुल बैक देखने को मिल सकती है। पर्टिकुलरली स्टॉक लाइक टाटा स्टील, स्टॉक में 350 से स्टॉक नीचे में गिर के 310 तक आया था वापस, और 3-4 दिन एक्यूमुलेशन के बाद इसके अंदर एक अपमूव आते हुए देख रहे हैं। तो यहां से मुझे लगता है कि टाटा स्टील वापस 350-360 तक के स्तर दिखा सकता है, तो टाटा स्टील में एक लॉन्ग पोजिशन आ सकते हैं। साथ ही साथ कैपिटल गुड सेक्टर में देखें तो काफी एक अच्छा अपमूव के बाद हमने थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज देखा था, एक कलेक्टिव फेज प्रॉफिट बुकिंग फेज देखा था, तो मुझे लगता है ऐसे कैपिटल गुड सेक्टर में भेल एंड LNT ये दोनों स्टॉक्स रहेंगे लार्ज कैप स्टॉक्स में जिसके अंदर हमको एक अच्छा अपमूव देखने को मिल सकता है शॉर्ट टर्म। चलिए इस बीच सबसे ऊंचे स्तर पर दिन के बाजार इस समय ट्रेड कर रहा है
और इसकी सीधी वजह है यूरोपियन मार्केट्स ने जिस तरह की ओपनिंग दी और उसके बाद जिस तरह से सस्टेन किया, तो क्लियरली और इनफैक्ट जो सबसे अच्छा संकेत है, जो स्ट्रेंथ है, वो यही है कि जिन स्टॉक्स पर डर था कि यहाँ पर ब्रेक्जिट का खतरा देखने को मिलेगा, वो स्टॉक्स भी काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। साथ साथ एक बार ये भी देख लेते हैं कि कौन से स्टॉक्स है जहाँ पर आज कैश में अब सबसे ज़्यादा बाइंग देखने को मिल रही है। एक तो ऑप्टो सर्किट्स है जो कि करीब 20% ऊपर है, BPL करीब 18% ऊपर ट्रेड कर रहा है, एशियन होटल्स 16% ऊपर इस समय ट्रेड करते हुए, कुछ और काउंटर्स में निटको है जो कि 12% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है, शेरोन बायोटेक 10% का मूव यहां पर है, तिलक नगर इंडस्ट्रीज़ है जो कि 8% ऊपर है, ऑल सेक टेक्नोलॉजीज करीब 8% ऊपर, KCP शुगर्स यहाँ पर अच्छा मुंह देखने को मिल रहा है, करीब 6% ऊपर ये है, और साथ ही हेक्सावेयर ये करीब 5.5% ऊपर। आदित्य, हेक्सावेयर पर आपकी राय क्या है? अगर हम IT स्टॉक्स में देखें, मिड कैप स्टॉक्स में, हेक्सावेयर काफ़ी लंबे टाइम से कंसोलिडेशन फेज में था, करीब 1.5 से 2 महीने स्टॉक एक बहुत ही नैरो बैंड 205, 220, 222 की रेंज में चल रहा था। स्टॉक ने कल के सेशन में एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है, एक शॉर्ट कवरिंग मूव के चलते हमने इसमें कल एक अच्छी रैली देखी थी, आज वापस हम इसमें शॉर्ट कवरिंग आते हुए देख रहे हैं, तो अभी भी स्टॉक में थोड़ा सा हमको लगता है कि अपसाइड और यहां से देखने को मिल सकता है। 245 तक के लेवल्स हमको लगता है कि हेक्सावेयर अगले कुछ दिनों में दिखा सकता है, लेकिन अगर किसी के पास लॉन्ग पोजिशन नहीं है तो थोड़ा सा अवॉइड करिए। स्टॉक 2 दिन में ही करीब 10 से 15% चल चुका है, तो यहां से इमीडिएट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फ्रेश बायस के लिए नहीं आता है, लेकिन अगर किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है तो डेफिनेटली होल्ड करके चल सकते हैं विद टारगेट ऑफ 245। ओके, चलिए थोड़ा सा एक और सेट ऑफ कॉम्बिनेशन को, एक और कैलकुलेशन को समझने की कोशिश करते हैं। ब्रेक्जिट ये अगर वास्तविकता हुई तो कमोडिटी मार्केट, कमोडिटीज पे क्या प्रभाव पड़ेगा? याद रखिए, कमोडिटीज का गिरना, कमोडिटीज का निचले स्तरों पर बने रहना, ये भारतीय परिप्रेक्ष्य में बहुत अच्छा है। कमोडिटी प्राइसेस ठीक ठाक रहे तो हमारा इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहता है। रजत हमारे साथ हैं इस थोड़ा सा कैलकुलेशन को समझने के लिए। रजत बताइए, एग्जैक्टली किन सर्कमस्टेंसेस में कमोडिटी मार्केट पे कैसा प्रभाव दिख रहे हैं आप? बिल्कुल, अगर ब्रिटेन EU को ऐसा नहीं रहता है तो प्रेशियस मेटल्स पे जोरदार खरीदारी होती हुई नजर आएगी। सभी ब्रोकिंग हाउसेस मानते हैं कि प्रेशियस मेटल्स अट्रैक्टिव बेट साबित हो जाएंगे, और ये पहले भी हो चुका है। निश्चलों से कच्ची तेजी सोने और चांदी में बनती हुई नजर आई, लेकिन अब देखना होगा कि पोल के नतीजे क्या आते हैं। लेकिन जो ज्यादातर जानकार मान रहे हैं वो यही मान रहे हैं कि शेयर बाजार से पैसा निकलेगा और कॉमोडिटी प्रेशियस मेटल्स में डलेगा अगर ब्रेक्जिट होता है तो। HSBC मान रहा है कि $1400 तक सोना पहुंच सकता है। उनका साफ तौर पर कहना है कि यहां से तेजी पकड़ लेगा सोना, एज ए सेफ हेवन बाइंग सोने पर आएगी अगर ब्रेक्जिट होता है तो। और इनफैक्ट अगर नहीं होता, अगर ब्रिटेन EU का ऐसा नहीं रहता, तब भी HSBC मानता है कि 5% से ज्यादा की गिरावट सोने पे नहीं देखने को मिल सकती। इस समय ग्लोबल मार्केट्स पे तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन हमने ज्यादातर ब्रोकिंग हाउसेस का नजरिया, डोमेस्टिक ब्रोकिंग हाउसेस का नजरिया जानने की कोशिश की, उनका क्या कहना है। इनफैक्ट मोतीलाल ओसवाल ये मानता है कि कॉमेक्स पर भाव 70 से 80 डॉलर उछल सकता है अगर ब्रेक्जिट हुआ तो। ब्रेक्जिट होने के चांस में मोतीलाल ओसवाल मानता है कि घरेलू बाजार में जो कीमतें हैं सोने की, वो 1500 रुपये तक बाउंस कर सकती हैं। अनराठी का मानना है कि M6 पर सोना 32500 तक पहुंच जाएगा, यानी कि यहां से एक स्ट्रांग अपसाइड दिखाई देती है उन्हें। केडिया कॉमोडिटी का मानना है कि M6 पर सोना 32200 तक जा सकता है। ये सभी सिनेरियो तब है जब ब्रिटेन EU का हिस्सा नहीं रहता, लेकिन अगर जनता ने ब्रिटेन को EU के पक्ष में रखने के लिए वोट दे दिया तब मैक्सिमम जानकारी मान रहे हैं कि 29,000 से 30,000 तक एक डिप जो है घरेलू बाजार पे सोने पर देखने को मिल सकती है। और केडिया कॉमोडिटी मानता है कि इंटरनेशनल मार्केट पे सोना जो है वो $1,156 प्रति औंस तक लुढ़क सकता है। तो इस समय काफी मिक्स पोल्स निकल के आ रहे हैं, लेकिन क्लियर कट जो एक मेजर टारगेट रहेगा, एक मेजर जो कॉमोडिटी रहेगी वो रहेगी बेस मेटल्स, क्योंकि यूरोप जो है वो ग्लोबल मार्केट पे एक बहुत बड़ा हिस्सा कंट्रीब्यूट करता है, एक्सपोर्टर है, नेट एक्सपोर्टर बेस मेटल्स का खास तौर से चीन को। तो कहीं ना कहीं बेस मेटल प्राइसेस जो है उन पे खास तौर पे इंपैक्ट पड़ेगा अगर ब्रेक्जिट की सिचुएशन डेवलप हो जाती है तो। एकदम से बेस मेटल्स के प्राइसेस पे दबाव देखने को मिल सकता है, ऊपर से पाउंड सिचुएशन बिगड़ जाएगी, करेंसी मार्केट पे डॉलर की एकदम से मांग बढ़ जाएगी जिसके कारण पाउंड पे गिरावट देखने को मिलेगी, और घरेलू बाजार पे भी रुपया हो सकता है कि यहाँ पर डेंट खाता हुआ नजर आए। तो ये कुछ ऐसे सिनेरियोज हैं ब्रिक्स एग्जिट के, अगर चांसेस बढ़ते हैं तो ऑब्वियसली सेफ हेवन बाइंग के तौर पे सोना बहुत अट्रैक्टिव हो जाएगा। जी चलिए, तो इस पर तो आप नजर रख ही सकते हैं। एक बार एक नजर डालते हैं रिलायंस कम्युनिकेशन पर। इस पर खबर आई है कि एयरसेल के साथ जल्द ही इनका जो नॉन बाइंडिंग करार है मर्जर को लेकर, उस पर जल्द ही घोषणा हो सकती है, फैसला हो सकता है। तो रिलायंस कम्युनिकेशन इस समय 5% ऊपर, 50 के आसपास। आदित्य क्या कहेंगे आरकॉम पर?
वेल आरकॉम के देखें तो स्ट्रक्चर काफ़ी वीक है, काफ़ी इस अपना एक अच्छा सपोर्ट लेवल 51-52 को ब्रेक किया था, उसके बाद स्टॉक काफ़ी टाइम से एक नेगेटिव दायरे में ही ट्रेड कर रहा है। न्यूज़ के चलते जरूर स्टॉक में थोड़ा उछाल देखने को मिला है, लेकिन अभी तक इसमें हमने एक फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बनते हुए नहीं देखे हैं, केवल एक शॉर्ट कविंग के चलते ही स्टॉक ऊपर आ रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि ये रैली बहुत ज़्यादा सस्टेन करेगी, 51-52 के पास आता है तो वापस स्टॉक में एक शॉर्ट सेल कर सकते हैं। हमें लगता है कि वापस स्टॉक एक 46 से लेकर 52 की रेंज में ही ट्रेड करेगा और वापस ये नीचे में 47-48 के लेवल दिखा सकता है। चलिए इस बीच एक बार टॉप 3 कंट्रीज की श्रेणी में देखते हैं वो स्टॉक्स जो कि स्ट्राइक कर रहे हैं आज। इसमें अगर आप देखें आज मिड कैप बैंकिंग में फेडरल बैंक लगभग 56 के स्तर पर आज वॉल्यूम के साथ ही स्ट्राइक करता हुआ। फिर आप देखिए टाटा मोटर्स, अभी हालांकि मैं जिक्र कर चुके हैं, रिपीट नहीं करूंगा इस स्टॉक को। उसके बाद ITC बुल बैक पोर्ट में करीब 0.2% ऊपर। BPL ये करिए, BPL को देखिए 17% ऊपर, 5 रुपये की तेजी यहाँ पर, क्या भागा है स्टॉक। उसके बाद आप देखिए और कुछ काउंटर्स, BOB, ITC, आइडिया, इनमें तेजी है वॉल्यूम्स के साथ। और एक इंडिया सीमेंट्स करीब 102 के स्तर पर। अजय जी, ये आज सुबह से कल और इनफैक्ट 2-3 दिन से देख रहा हूँ कि एक बार फिर से बाजार का जो इंटरेस्ट है सीमेंट में काफ़ी बड़ा है, और आप देखिए कि कैश में, डेरिवेटिव्स में ये स्टॉक्स एक बार फिर से एक्टिव हैं। थोड़ा टाइमिंग इनकी चलने की मेरे को परेशान कर रही है कि मॉनसून के वक्त और मॉनसून ऑलमोस्ट किक स्टार्ट होने के बाद, पूरे सेंट्रल पार्ट तक छा जाने के बाद सीमेंट स्टॉक्स क्यों चल रहे हैं। अमूमन ये पीरियड या फिर दौर नहीं होता इनके चलने का, लेकिन आपका इंटरेस्ट बन रहा है सीमेंट स्पेस में अभी? जी बिल्कुल, मैं तो काफ़ी महीनों से कहता रहा हूँ सीमेंट का एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टोरी है और वो एमर्ज होके आ रहा है। अब थोड़ा सा हमने देखा मंदी पिछले एक महीने में, स्टॉक्स थोड़ा ठहराव था, अभी फिर चल पड़े हैं। और इसका कारण क्या है कि दिख रहा है कि सरकार बड़ी तेज़ी के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ बढ़ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ कंस्ट्रक्शन में, और लग रहा है कि और प्रोजेक्ट्स अनलॉक होंगे जो स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स थे, उनका कुछ ना कुछ फाइनेंशियल समाधान निकाला जाए और सीमेंट की खपत बढ़ेगी। तो ओवरऑल ये जो 60-70% पे चल रहे थे वो 80% पे जैसे चलते हैं, स्ट्रेट ऑपरेटिंग लेवरेज बॉटम लाइन पे आता है। तो एक री रेटिंग चल रही है सीमेंट सेक्टर की, हम अभी भी कहेंगे कि नया पोजीशन भी बनाया जा सकता है सीमेंट सेक्टर में। और कुछ स्टॉक्स देखिए जो कि चल सकते हैं, जो कि चलना चाहिए, जिनका 380-470 पे, जरा टाइटन को देखिए। अगर आप मुझे पूछें कि मेरे स्क्रीन पर जितने भी स्टॉक्स हैं उसमें सबसे बेहतरीन ब्रेकआउट फॉर द टाइमिंग जो है वो इसमें है 384, एक बार जरा टाइटन का जरा प्लीज़ फ्यूचर दिखाइए। एग्जैक्टली देखते हैं कि टाइटन फ्यूचर में भी वही कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मतलब फ्यूचर में इसमें ओपन OI एडिशन कैसा है। टाइटन अगर आप करंट मंथ फ्यूचर्स देखिए, 1.5% OI बढ़ा है, 1,12,00,000 का आउटस्टैंडिंग OI है। ये आपके स्क्रीन पर आप देखें टाइटन डे हाई पर, सुबह बात भी कर रहे थे हम। और 380, 390, 400 सारी कॉल्स में शॉर्ट कवरिंग है। आदित्य क्या कहेंगे टाइटन को, चेस करेंगे आप इस स्टॉक को? वेल बिल्कुल नहीं, स्ट्रक्चर काफ़ी बुलिश है, काफ़ी टाइम से स्टॉक एक कंसोलिडेशन फेज में चल रहा था। 385 का इसमें एक इमीडिएट रेजिस्टेंस आता है फ्यूचर्स में, स्टॉक उसके आसपास ही चल रहा है। अगर आज उसके ऊपर क्लोज देता है तो हमको लगता है कि यहाँ से काफ़ी बड़ा अपमूव टाइटन में शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है। 430 से लेकर 440 तक के लेवल्स टाइटन में देखने को मिलेंगे, तो अभी थोड़ा सा वेट करिए। 385 के ऊपर अगर सस्टेन करता है स्टॉक तो डेफिनेटली इसमें एक लॉन्ग पोजीशन कैरी की जा सकती है, टारगेट है 430-440, नीचे में स्टॉप लॉस रहेंगे 360 के। चलिए नितेश चंद इस बीच हमारे साथ जुड़े हैं। नितेश शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। तो ये तो हो गया, देखिए जिसका डर था उससे बिल्कुल उल्टा हो गया। सुबह लोग ये सोच रहे थे कि पता नहीं क्लोज होते होते क्या होगा, मार्केट कितना गिरेगा, ये वो, या तो रेंज बाउंड रहेगा, लेकिन यूरोप तो 2-2.5% ऊपर है और निफ्टी भी जिस तरह से कंसिस्टेंटली 80-50 के ऊपर होल्ड कर रहा है। आप क्या करेंगे मार्केट में? मिहिर, इफ़ वी गो बाय द प्रीवियस रिकॉर्ड्स, तो अगर हम देखें कि यूरोपियन क्राइसिस जो रही है ये एक एक इवेंट रहा है, एक एक आउट ऑफ द वे इवेंट रहा है कि जो कुछ ही दिनों में सेटल हो जाता है। जैसे कि अगर हम रिकॉल करें जो ग्रीस का जो इशू था, फिर जो साइप्रस का इशू था, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पब्लिक ने इसको फिर शॉर्ट टर्म मेमोरी की तरह इसको इरोड कर दिया। तो ये जो आज का भी जो इवेंट है इसका जो इम्पैक्ट रहेगा, इसका कोई लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होगा ऐसा मार्केट इंडिकेशन नहीं दे रहे हैं। तो पॉसिबिलिटी है कि ऐसे इस इवेंट को भी मार्केट एब्जॉर्ब कर जाएगा और तो उसके बाद फिर नेक्स्ट राउंड ऑफ अपमूव की तरफ बढ़ सकता है, प्रोवाइडेड दैट कि 8300 का जो रेजिस्टेंस है वो क्रॉस होता है तो निफ्टी फिर से जो अपवर्ड मोमेंटम था वो रिज्यूम कर लेगा। अजय जी, आखिरी प्रश्न पूछूंगा आपसे यहाँ पर,
एज ए इन्वेस्टर हमें एक चीज़ और का ध्यान रखना चाहिए कि मोमेंटम कहाँ पे है और सस्टेनेबल मोमेंटम कहाँ पर है, अगर टाइम पे आप उसे पकड़ ले तो। मिड कैप में सर कोई ऐसा स्पेस सेटअप स्टॉक्स ग्रुप्स जो कि आपको अट्रैक्टिव लग रहे हैं इस प्राइस पे Q4 नंबर्स के बाद, जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ थोड़ा समय दें तो पैसा बन सकता है मिड कैप में? काफ़ी सेक्टर्स मैं कहूँगा, ऑटो अच्छा लग रहा है, ऑटो एंसिलरी अच्छा लग रहा है, सीमेंट हो गया, इंडस्ट्रियल्स हो गया, फिर प्राइवेट सेक्टर NBFCs बहुत अच्छे लग रहे हैं, काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिख रही है। रूरल से जो रिलेटेड है फर्टिलाइजर हो गया, एग्रोकेमिकल हो गया, इरीगेशन सप्लायर्स, ट्रैक्टर्स हमने देखा जिस तरह ट्रैक्टर मेकर दौड़ गए बिल्कुल, और उसका फॉलो ऑन आएगा ट्रैक्टर फाइनेंशियर से। अभी भी थोड़ा सा उनका NPA ज़्यादा है, कमर्शियल व्हीकल का NPA अच्छा हो गया, ट्रैक्टर्स का भी थोड़ा ख़राब है, बट एक अच्छा मॉनसून होके आप देखेंगे 6 महीने में टर्न अराउंड उधर भी आए हुए, तो उसके एंटिसिपेशन में मार्केट खरीदेगा ट्रैक्टर फाइनेंशियर्स को भी। तो ये सब सेक्टर्स देखे जा सकते हैं जो हमें काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। ओवरऑल इंडिया कंजम्पशन, इंडिया ग्रोथ और इंडिया टर्नर आउट, जो भी सेक्टर बेनिफिट है इससे आप उनको देख सकते हैं।